हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज आ रहा है डिंपू बरुआ, जो हमारे असम का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। और आज हम उनसे मिलने जाएंगे, जो कि आ रहे हैं हावली पे 2 बजे। और अभी भी मेरे दोस्तों ने फोन करके बताया कि भाई आज डिंपू बरुआ आ रहा है, तो मैंने कहा भाई डायरेक्टली चलते हैं, सोचने वाली क्या बात है। तो डिंपू बरुआ तो आ रहा है 2 बजे, तो उससे पहले हम देखेंगे आज का सारा जो है। मैंने कल एक पॉन्ड बनाया था सारा दिन लगा के, आपने तो देख ही लिया होगा। और उससे पहले हम देखेंगे कि आज हमारा पॉन्ड का कंडीशन कैसा है, उसमें मछलियाँ कब तक छोड़ पाएंगे, या फिर उसका डेकोरेशन देखेंगे। और इससे पहले एक और चीज़, जो हमारा घर का सबसे बड़ा मेंबर है, उससे मिलाते हैं आपको। ये देखो भाई, ये काफ़ी प्यारा है और इसका कोई काम नहीं है, सारा दिन ऐसे सोता रहता है। और ये प्यारा क्यों है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपके घर में भी अगर बिल्लियाँ होंगी, बिल्लियाँ फिर डॉग होंगे, तो वो भी ऐसा करते हैं क्या, आप कमेंट में ज़रूर से बताना। क्योंकि मैं जब सोया होता हूँ ना ऐसे, तब वो मेरे छाती पे आके ऐसे बैठ जाता है और मेरे मुंह को अपने मुंह से ऐसे ऐसे करने लगता है, तो ये काफ़ी प्यारी चीज़ लगती है मेरे को, और सॉरी लगता है। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ डिंपू बरुआ से मिलने। सो चलो देखते हैं क्या होता है। इधर देख सकते हो, मैंने इधर एक मनी प्लांट लगाया है, और उधर उधर जो है, उधर सब मैंने जो पॉन्ड होता है, जंगली पॉन्ड, उनसे लाया है। देख सकते हो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और इधर मेरे पेड़ का ग्रोथ भी अच्छा है, देख सकते हो। और ये जो है मैंने कल बनाया था, देख सकते हो आप कितना क्लियर हो गया है ये पानी। यानी ये इधर थोड़ा थोड़ा काफ़ी छोटे छोटे जो चीटियाँ होती है वो गिर गया है। और मैंने इधर ऊपर रूप भी बना दिया, ताकि बारिश के समय इस पर डायरेक्टली हिट ना हो बारिश। और इधर लगाएंगे हम काफ़ी सारा डकवीड, एंड वो जो दिख रहा होगा आपको, वो जो दिख रहा होगा वो ही पौधा लगाएंगे, जो हम दूसरे पॉन्ड से लाएंगे। सो देखते हैं इधर कौन सा मछलियाँ, या फिर मैंने तो प्लान बनाया था कि भाई इधर शार्क छोड़ेंगे, जो एक्वेरियम का होता है शार्क ना, वही छोड़ेंगे भाई। लेकिन घर वालों ने मना कर दिया, क्योंकि पहले भी मैंने मछलियाँ लाया था लेकिन वो बच नहीं पाया किसी वजह से, क्योंकि मैं एग्ज़ाम देने बाहर गया था, जो पैरामेडिकल का होता है, वही देने बाहर गया था, तो तभी कुछ मछलियाँ ऐसे मर गई थी। तो अभी भी घर वाले नहीं कह रहे हैं कि भाई मतला ऐसे फिश मतला, कोई मर जाएगा, बेकार में पैसा का खर्चा हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि क्या पाले, और आप भी कमेंट में बताओ कि कौन सी मछलियाँ ऐसे वाइल्ड लाइफ ऑक्सीजन के बिना, मतलब आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के बिना सरवाइव कर सकती है। और भाई इधर देख सकते हो, ये जो फ्रेम है इसको देख के काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ये जो इधर एक और आर्ट लेकिन उसका फ्रेम नहीं हुआ अभी। और ये काफ़ी सारा इधर मैस है, थोड़ा इसको थोड़ा इग्नोर करना। और ये जो ब्लैक बॉक्स दिख रहा होगा, ब्लैक डब्बा, इसमें है वो मछलियों का खाना, एंड वो सब इग्नोर करना भाई। लेकिन ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ये जो है। इधर किसी ने ये प्लास्टिक फेंका हुआ है, इसको पहले इधर से निकालते हैं। फिर इधर जो है आइकॉर्निया प्लांट जो है, यही वाला कुछ करीब 2-3 लेके जाएंगे इधर से। और इधर से लेके ये जो प्लांट है हम उधर थ्रो कर देते हैं, पहले उधर शिफ्ट कर देंगे। और देख सकते हो वो प्लांट का जो हेयर है नीचे, मतलब उसका जो जड़े है, कैसा दिख रहा है दूर से। और ये भी लेंगे। और इधर इसको मैंने रखा था करीब 3-4 दिन पहले, और काफ़ी ग्रोथ अच्छा हुआ है इधर, क्योंकि इधर धूप नहीं पड़ती, इधर छाव ही रहता है। इधर हल्का धूप है लेकिन इधर मैं कवर कर देता हूँ, जिस तरह मतलब जिसके लिए ये जो मनी प्लांट है इसको कोई हार्म नहीं होता, तो पहले इसको कवर कर देते हैं ताकि ये मनी प्लांट को कोई डैमेज ना हो। तो इधर देख सकते हो आप, मैंने ये जो प्लास्टिक का है, ये टेबल का टूटा हुआ हिस्सा, और ये ऊपर एक टीन का वो परत लगा दिया, ताकि इधर धूप ना गिरे और वो मनी प्लांट को या फिर रिवर को, मतलब पॉन्ड को कोई हार्म ना हो या फिर डैमेज भी ना हो सूरज से। और इधर देख सकते हो मेरा पॉन्ड इधर थोड़ा गंदा हो गया है, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो।
एंड ये थोड़ा छाव में दे देते हैं, काफी खूबसूरत लग रहा है। और उधर मैंने थोड़ा जंगली पौधा उधर हुआ था तो उससे शिफ्ट करके इधर लगाया और इधर दो तीन पौधा लगवा दिया ताकि इधर का जो मिट्टी है रेत है ये डायरेक्टली इधर ना गिरे। और गाइज इधर मैं नहा धो के आ चुका हूँ, देख सकते हो। अभी जस्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट किया है और अभी कुछ पहना भी नहीं है ऊपर, बहुत धूप हो रहा है और मैं थोड़ा छाव में हूँ पेड़ के नीचे। सो अभी रेडी होते हैं क्योंकि 2 बजने वाले हैं और उधर हावली में डिम्पू बोरू आ जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। तो कुछ खाना वाना खा के फटाफट से रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं। खाना खा के फिर दोस्त के घर जाएंगे, फिर वहाँ से डायरेक्टली जाएंगे हावली क्योंकि उधर डिम्पू बोरू आ रहा है। तो देरी ना करके फटाफट से खाना खाते हैं और मैं नहा भी लिया फटाफट से, देख सकते हो पसीना भी आ चुका है। मैं लिटरली गाइज अभी जस्ट 5 मिनट पहले नहा के आया और 1 मिनट के लिए सिर्फ बाहर गया था और मेरा हालत देख सकते हो अभी, सिर के ऊपर से आपको पसीना दिख रहा होगा ऐसे टपकते टपकते। कोई ना, चलो। सो गाइज मैं अभी जा रहा हूँ दोस्त के घर और उधर से जाएंगे डिम्पू को मिलने। तो अभी देखते हैं दोस्त क्या कर रहा है, उसको भी फ़ोन करके बताया मैंने कि मैं इतने घर आ रहा हूँ, लेकिन वो अभी बोल रहा है, बहाना दे रहा है कि इतने धूप में किधर जाऊँगा। सो अभी मैं जा रहा हूँ एंड उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अभी हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, अभी हम जा रहे हैं डिम्पू को मिलने। तो डायरेक्टली अभी आपको वही पे मिलते हैं। सो चलो, पुल के नीचे पूरा पानी जमा है तो मेरा दोस्त अभी जा रहा है क्योंकि इधर थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऊपर से चला जाता हूँ। सो मैं इधर से चला जाता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्त को। देखो उधर दोस्त पहुँच भी गया है और मुझे अभी इधर से उतरना पड़ेगा क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। और इधर देखो, भाई साहब इधर देख सकते हो पानी कितना है। ये जो पौधा देख रहे हो ना पानी के ऊपर, यही मेरे को चाहिए। तो अभी हेलमेट भी पहन लेते हैं पहले ताकि कोई पुलिस भी ना पकड़े। एंड इसके ठीक ऑपोजिट ही है हमारा स्कूल जहाँ हमने पढ़ाई की थी, उधर है। और गाइज हम लगभग पहुँच ही गए हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ डिम्पू से मिलने के लिए। फुटबॉल का इधर मैच होने वाला है। हम अभी पहुँच चुके हैं मेन रोड पे और इधर से डायरेक्ट जाएंगे हावली और उधर मिलेगा डिम्पू।